काफी ऊंचा है ये तो। हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है तरुण मलिक और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि है गुजरात में। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि आप दिल्ली से चल के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक कैसे पहुँच सकते हैं ट्रेन के जरिए। पहले अगर हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी आना होता था तो हमें दिल्ली से या कहीं से भी वडोदरा या आसपास के शहरों से होते हुए आना पड़ता था, यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं चलती थी। लेकिन अभी पिछले साल मोदी जी ने 8 ट्रेनें चलाई है अलग अलग जगह से, जैसे कि चेन्नई, भोपाल, मतलब मेन जो 8 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, ऐसी 8 सिटीज़ से डायरेक्ट ट्रेनें चलाई है एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एकता नगर रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल अभी नया बना है। तो यहाँ पे 8 ट्रेनें आती है। अभी मैं रात को 3 बजे पहुँचा था, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिटायरिंग रूम में रेस्ट किया और अभी मैं जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। अभी यहाँ पे 7:30 बजे बस आएगी जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ले जाएगी, तो मैं अभी उसी बस का वेट कर रहा हूँ। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे है, 7:30 बजे बस आ जाएगी, तो तब तक कुछ खाने पीने के लिए देखता हूँ क्या मिलेगा यहाँ पे। मेरे सामने कुछ ऐसा नज़ारा है इस रेलवे स्टेशन का। अभी सनराइज़ हो रहा है और ये कुछ एकता नगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि बताया कि आप डायरेक्ट ट्रेन बुक कर सकते हो और आने के बाद यहाँ पे आपको रिटायरिंग रूम मिल जाएगा। रिटायरिंग रूम का रेट और कैसे कैसे आप बुक कर सकते हो और कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पर उसका लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं, बस का वेट करते हैं, बस के आने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो अभी आ गई हमारी बस, अब बस में अपना टिकट दिखा के बस में बैठते हैं और फिर चलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। तो हम पहुंच चुके स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो बस ने मुझे छोड़ दिया स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, अब हम वापस चल के देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो मेरे सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे मैंने सामने जो मेरे बैग काउंटर है वहाँ पे मैंने बैग जमा करवा दिया है और बैग जमा करवाने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलती है। अभी बजे हैं 9:30 बजे मेरी एंट्री होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर, तो तब मैं आपको अंदर से चल कर दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी कैसा दिखता है और क्या क्या इसका एंट्री प्रोसीजर है। और हम ऊपर चेस्ट तक भी जाएंगे, चेस्ट पॉइंट में जाके आपको बाहर से डैम का व्यू भी दिखाऊंगा मैं। तो चलिए सर, यहाँ मेरे पीछे लिखा हुआ है कि अंदर बैग कुछ भी अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ खाली हाथ जाना पड़ेगा, अपना कैमरा वगैरह ले जा सकते हैं। बैग जमा करवाने के लिए आपके पीछे एक काउंटर बना हुआ है, आपको वहाँ पे बैग जमा करवा के आना पड़ेगा। ऐसी कुछ यहाँ से एंट्री है। अभी हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, हमें अपने फ़ोन में जो टिकट है वो दिखानी पड़ेगी। सफर अभी बजे हैं 9:40, लेकिन मेरा टिकट 10 बजे का था, लेकिन कोई है ही नहीं, मैं अकेला टूरिस्ट हूँ यहाँ पे, 2-4 और होंगे मेरे से अलग, तो उन्होंने एंट्री दे दी मुझे। अब आगे कहीं टिकट चेक होगा, एंट्री एंड व्यूइंग गैलरी विजिटर्स, तो यहाँ से चलते हैं आगे। कैसा है ये सफर मंजिलो। तो हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर, अब लेते हैं यहाँ टिकट दिखा के अपनी एंट्री, अंदर चल के देखते हैं एंट्री कैसे होती है, क्या टिकट दिखाना होता है। इधर से चले जाना, तो अब अंदर एंट्री ले रही है, टिकट चेक होगा यहाँ पे, ये भाई टिकट चेक करेंगे लो भैया।
यहाँ चेकिंग होगी, उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। चेकिंग करवा के अंदर चलते हैं। तो यहाँ चेकिंग होने के बाद हमें मिल चुकी है अंदर एंट्री। अभी थोड़ी देर मास्क उतार देता हूँ बोलने के लिए, फिर लगा लूँगा। ये सामने मेरे स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो ऐसा कुछ है स्टैचू ऑफ यूनिटी का कैंपस, मतलब यहाँ से एंट्री करके आगे सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखता है आपको। तो ये मेरे सामने स्टैचू ऑफ यूनिटी, अब मैं जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर एग्जीबिशन में। तो अंदर चल के देखते हैं क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ये जब बन के तैयार हुआ था 2018 में, और इसकी बनने की शुरुआत हुई थी 2013 में। तो इसको बनने में टोटल टाइम 5 साल का लगा है, और इसकी हाइट है 182 मीटर। तो ये है वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, बहुत ऊँचा है, अभी बहुत दूर से दिख रहा है ये। अभी मैं आपको अंदर चल के इसकी व्यूइंग गैलरी और म्यूजियम दिखाता हूँ कैसा है। तो मैं पहुंच चुका हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल पास में, और इसके नीचे एंट्री अगर हम लेंगे तो नीचे एग्जीबिशन है, और ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई है। और यहाँ से जो एस्केलेटर लगे हुए हैं, इन पर चढ़ के आप उनके पैरों तक जा सकते हैं। तो पहले हम नीचे अंदर चल के देखते हैं, उसके बाद फिर पैरों की तरफ जाएंगे। पहले ऊपर लिफ्ट में जाएंगे और अंदर एग्जीबिशन देखते हैं। यहाँ से आगे मास्क ज़रूरी है, तो मैं मास्क लगा लेता। तो मैंने अंदर एंट्री ले ली है स्टैचू ऑफ यूनिटी के म्यूजियम हॉल में। अब आगे देखते हैं क्या मिलेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे म्यूजियम है, इसमें सरदार पटेल जी का फेस रखा हुआ है, बहुत अच्छा। और यहाँ पे पटेल जी की एक और मूर्ति लगी हुई है। ये भी मुझे लगता है ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्ति है। और यहाँ पे कुछ लोग पुराने सरदार जी के फोटोज लगे हुए हैं उधर, वो दिखाता हूँ अभी जाके। यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। इस थिएटर में डैम की हिस्ट्री और ये मूर्ति कैसे बनी उसके बारे में मूवी चलती रहती है, आप हर टाइम बैठ के किसी भी टाइम देख सकते हैं पूरी डिटेल्स अगर आपको चाहिए। बाकी मैं थोड़ी देर मास्क हटा देता हूँ। ये लोगों की मतलब प्रजाति समुदाय, इनके फ़ोटो लगे हुए हैं जो पुराने गुजराती लोग होते थे, कैसे वो रहते थे, क्या कैसे उनकी पोशाक थी। क्या तितली आप देख सकते हैं, कितना अच्छा यहाँ का माहौल है। और तो ये मेरे पीछे है स्टैचू ऑफ यूनिटी का म्यूज़ियम। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई जो यहाँ लगी हुई है, फ़ोटोज़ लगे हुए, उनके नीचे स्क्रीन की डिस्प्ले लगी हुई है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले पे इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, तीन लैंग्वेज है। तीनों में जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना हो या सुनना हो तो उस पर क्लिक कर दीजिए, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स चल जाएंगी। अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर सरदार पटेल जी की चेस्ट में जो व्यूइंग गैलरी है, उससे लिफ्ट भी लेके ऊपर जाएंगे, और वहाँ से डैम का और बाहर का, बाहर के एरिया का व्यू देखेंगे कैसा दिखता है। तो चलिए वहाँ चलते देखते हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? अकेले हो ना? हाँ। तो यहाँ पे बार कोड स्कैन हुआ है और अंदर एंट्री मिल गई है लिफ्ट में। अब ऊपर चल रहे हैं। उधर घुसा गया। तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट आ गई। क्या दबाना है? अच्छा, तो मैं आ चुका हूँ लिफ्ट में। भी लिफ्ट है खाली, इसमें लिफ्ट में बनाए हुए हैं कि ये स्टैचू कैसे बना है। पहले 2 पिलर बनाए गए, उन 2 पिलर के अंदर ये लिफ्ट फिट करी गई है जिसमें ऊपर जाएंगे। ऐसे ये 2 पिलर बने।
चार पाँच। सबसे पहले तो ये है जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व। तो अभी मैं खड़ा हूँ सरदार पटेल के चेस्ट में, उसको बाहर निकाल के देखते हैं। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। बहुत ही ऊंचा है तो जो ऊपर से सेकंड नंबर का पड़ा है, सारे 450 हाइट तक केवल 38 सेकंड में पहुंच जाते हैं। माउंटेन को तोड़ के बेस बनाया, फिर दो पिलर से यहाँ तक बनाए, 2013 में पूरा इंडिया में से जो लोहा कैंपेन चलाया था, 1,69,000 व्हीलर से साइड से जो लोहा आया था 134 टन, उसको भट्टी में पिघला के सलिया बना के तो लाए थे, दो पिलर में इस्तेमाल किए। फिर स्ट्रक्चर स्टील आया 6,000 टन, रेनफोर्स स्टील आया 18,000 टन। ये बाहर का लेयर है सर, ये मेटल है, पूरा मेटल है। हाँ, इसमें फोर धातु मिश्र किया है, लेड जिंक टिन एंड कॉपर, 85% कॉपर यूज किया, क्योंकि खराब नहीं हो पाएगा, जंग कभी नहीं होगा। अच्छा, यह पूरा वर्क एलएनटी कंपनी ने। एलएनटी? हाँ, 5 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 3.5 साल में बना दिया, 42 मंथ। 3,000 जितने वर्कर्स थे, 250 जितने इंजीनियर, एक मिनट, दिन रात काम करके 3.5 साल में बना दिया, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड में जितने भी स्टैचू बने 6-8 साल में तैयार हुआ, स्टैचू ऑफ यूनिटी 3.5 साल में बना दिया। और इस मूर्ति के जो आर्किटेक्ट थे राम विश्वतार फ्रॉम महाराष्ट्र, 93 की थी तब स्टैचू की डिजाइन बनाई थी। और ये फ्रंट साइड है, पीछे बैक साइड है, और साइड में इंटरनल स्ट्रक्चर, आप वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू के अंदर खड़े हो। स्टैचू की हाइट 182 मीटर है, क्योंकि गुजरात विधानसभा के जो MLS की जो सीट 182, इसीलिए स्टैचू की भी हाइट रखी 182 मीटर। तो ये डैम की लेंथ कितनी, 1210 मीटर है, फाउंडेशन लेवल से 163 मीटर हाइट, और सी लेवल से 146.50 मीटर है। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इसके अंदर का सीन, वो फ्रंट साइड का व्यू था, ये बैक साइड का व्यू है। अब मैं आपको बैक साइड का व्यू दिखा रहा हूँ। इसके बारे में जो यहाँ पर गाइड थे उन्होंने सारी डिटेल आपको बता दी, अगर आपको बहुत डिटेल्स इस वीडियो में दिखी है तो अच्छी बात है। तो वो ये डिटेल्स आपने देखी, और ये बैक साइड का व्यू है। बैक साइड में सिर्फ आप देख सकते हैं, बैक साइड में कैमरा बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन फ्रंट साइड में कैमरा बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ फ्रंट साइड का व्यू है, मैं फ्रंट साइड में जाके दिखाता हूँ फिर से, इसको बाहर निकाल के देखते हैं जाता है कि नहीं। कैसा है ये सफर, व्यूइंग गैलरी घूम के मैं फिर वापस नीचे आ चुका हूँ। अब हम चलते हैं जहाँ सरदार पटेल जी के पैर हैं, यहाँ से बाहर निकल के सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, तो वहाँ चल के दिखाता हूँ आपको। तो मैं आगे बाहर, अब चलते हैं ऊपर, ऊपर जहाँ सरदार पटेल जी के पैर हैं, यहाँ सामने से सीढ़ियाँ लेके जाना पड़ेगा, अब ऊपर चलते हैं। तो पहुंच चुका हूँ मैं सरदार पटेल जी के पैरों में, अभी भी एक एस्केलेटर बचा है चढ़ने के लिए, वहाँ से एक और चलते हैं। बहुत ही ऊंचा हो गया, बहुत ही ऊंचा सिस्टम हो गया, यहाँ से दिखना मुश्किल हो गया। अब चलते हैं, अभी एक एस्केलेटर और बचा है, ये तो बहुत ही ऊंची हो गई यहाँ से। तो अब यहाँ से एक और एस्केलेटर बचा है फाइनल वाला, इसके बाद हम ऊपर पहुँच जाएंगे। ऐसे कुछ है सिस्टम यहाँ से।
तो फाइनली 5 एस्केलेटर चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं सरदार पटेल के पैरों के पास। ये रहे सरदार पटेल के पैर। और यहाँ की एक खास बात है कि आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऐसा कुछ ये है मेटल जिससे ये बना है। बहुत गर्म हो रहा है धूप में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से कितना ऊँचा है। ये दिख भी नहीं रहा है फेस तो। पैरों को बांधे बेड़िया, बताए सा कहानियां, तो रोशनी तो रंग है। और इतनी ऊंची मूर्ति है कि दिखने भी मुश्किल है यहाँ से तो। और मैं हाथ पूरा ऊंचा करके भी नाखून तक नहीं पहुंच पाता हूँ। पर ये है यहाँ का नज़ारा। और सामने सरदार सरोवर डैम दिख रहा है। इसके ऊपर जब हम लिफ्ट में बैठ के जाते हैं तो एकदम कानों की हवा, मतलब जैसे प्रेशर होता है ना पहाड़ों पे जाके, तो कानों में हवा बंद हो जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा था। मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको सारा दिखा दिया है। जय सरदार जी की। चलते हैं वापस पार की तरफ। तो ऐसा था स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, इसका पूरा डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ वैली ऑफ फ्लावर, और एक दो अट्रैक्शन हो रहे जो उसके आसपास है वो दिखाऊँगा आपको। तो चलिए चलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाकी बाय बाय।